नमस्कार। इन दिनों लोकसभा चुनाव जो लेकर माहौल गर्म है और उत्तराखंड की अगर बात करें तो पांचों विधानसभाओं में से जो पौड़ी की संसदीय सीट यानी कि गढ़वाल संसदीय सीट जिसको बोलते हैं जहां पर 14 विधानसभाएं हैं वहां पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बनी हुई। यही मेरे साथ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी इस वक्त मौजूद है। आज सतपुली में जनसभा थी, अपार समर्थन इनको मिला, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्टैंड? मुझे लगता है कि पूरे देश में बदलाव की बयार चल रही है। लोग अब जुमलेबाजी को हकीकत समझ गए हैं जुमलेबाजी की, और आम मतदाता को ये महसूस हो रहा है कि 10 साल से सरकार जुमले बोलकर उन्हें ठगने का काम कर रही है। तो मुझे तो ये बदलाव की बयार लग रही है। जिस प्रकार से आज सतपुली में हों या अन्य लोकसभा क्षेत्रों पर हों, हर एक लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं सुनने के लिए, तो ये सार्थक संकेत है। और इस सार्थक संकेत से हमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आ रही है। गोदियाल जी, एक और सवाल, जब आपका नाम जैसे ही लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आया, पहाड़ों को रहवासी और मैं दिल्ली रहने वालों, वो गाना आया, उसके बाद एक भाजपा के प्रवक्ता उस पर कमेंट करते हैं कि गोदियाल जी भी मुंबई में रहे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने इसको स्वीकार किया कि मैं अपने उम्र के बचपन में मैं कक्षा 8 पढ़कर पैठाणी से बम्बई चला गया था, और 1997 तक मैं बम्बई रहा। 1997 तक मैंने वहाँ जो भी धनोपार्जन किया, जो भी 2 पैसे कमाए, मैंने अपने गांव में लाकर उसको आम हमारे गरीब छात्रों के लिए, हमारे भाइयों के लिए कॉलेज खोला। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बचपन से मुझे जो परिश्रम मैंने सीखा है, सिखाया गया कि परिश्रम करना है, उस परिश्रम का परिणाम है कि मैंने बचपन से परिश्रम किया और आज भी वो बचपन का परिश्रम मेरे काम आता है। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन पहाड़ों पे अगर चढ़ना भी होगा ना ऐसा, तो बीजेपी का कोई नेता गणेश गोदियाल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो परिश्रम मेरे काम आया, तो मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है। मैंने बचपन में जब बम्बई गया और 2 पैसे कमाए, मैंने यहाँ लगाया। भाजपा के कोई नेता, चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि वो आएँ और वो बताएँ कि उन्होंने अपने संसाधनों से, अपने चाहे जैसे कमाया हो, चाहे राजनीति में ही कमाया हो उन्होंने, पर क्या उन्होंने अपने संसाधनों से कमाकर अपने गांवों का कुछ विकास किया? मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ कि आकर बताएं। गोदियाल जी, एक लास्ट सवाल और एक अच्छी खबर भी मैं बोलूं कि आपके लिए है कि जगह जगह ग्राउंड जीरो पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम साइलेंटली गोदियाल जी के साथ हैं, तो कैसा मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद वो भले ही बीजेपी में है, मैंने कहा ना कि बीजेपी और कांग्रेस प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे भी हैं और अच्छे लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भी हैं। जो अच्छे होने की जिनमें और संभावनाएं हैं वो बीजेपी में भी होंगे और कांग्रेस में भी हैं। कोई राजनीतिक दल के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो छलनी से चाल कर अपने साथ अच्छे अच्छे ले गया, इसलिए वहाँ भी अच्छे लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं, इस उत्तराखंड के और इस गढ़वाल की दिशा और दशा को समझते हैं कि कहाँ दिशा और दशा जा रही है। और मैं आभारी हूँ उनका कि वो मेरे लिए मन में हमदर्दी रखते हैं। ये थे मेरे साथ गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी, और लगातार इस सीट पर जरूर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।